हेलो जी, राम राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं। सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा सब पर हमेशा यूं ही बनी रहे। तो अभी हम करेंगे गोवर्धन पूजा। पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हमारी जो फैमिली है, यानी कि मेरे दादाजी की जो फैमिली, वो कट्टर आर्य समाजी है, तो वो तो ये सब पूजा वगैरह नहीं करते, पर हम कर लेते हैं, भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। तो इसलिए जो चीज़ हमें जितनी पता है, जैसी हो पाती है वैसे ही हम कर लेते हैं। जैसे गोवर्धन पे वो गोबर से वो बनाते हैं ना, तो वो तो नहीं पॉसिबल हो पाया, तो जैसा हमसे बना वैसा हमने, मतलब गोवर्धन धारी की पूजा हमने कर ली फिर आज के दिन। तो दिखाती हूँ मैं आपको इस व्लॉग में कैसे हमने पूजा करी, और आपको बताऊँगी कि गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है, ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। जब कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे, 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन धारी की जय, गौ माता की जय, गौवंश की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। आज के व्लॉग में बस इतना ही। राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।